कि सुबह प्यारे परमेश्वर, हम जबकि आपकी उपस्थिति में आए हैं, आपके चरणों में आए हैं प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करने आए हैं, आपके जय जयकार के गीतों को गाने आए हैं। हमारी प्रार्थना है पवित्र आत्मा, आप अपने कार्य को हमारे मध्य में करो, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, आप अपने कार्य को हमारे बीच में करो, हम सबों के मनों को, हम सबों के ध्यान को आप अपने वश में लो, हमारे आत्माओं को आप अपने वश में लो। हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु। तालियों को बजाकर ऊंचे आवाज में यह की स्तुति करो।
उसका नाम सब नामों में ऊंचा है, जिस प्रकार आपने गाया हर पहाड़ों से ऊंचा नाम है, आसमानों से ऊंचा नाम है, हर एक परिस्थिति के ऊपर ऊंचा नाम सिर्फ एक ही है और वो यीशु का नाम है। और हमें शांति उसी से प्राप्त होती है, छुटकारा उसी से प्राप्त होता है, चंगाई भी उसी से प्राप्त होती है। उसके नाम की महिमा करें, हालेलुया। ताली को बजाकर उसकी महिमा करें। बचाता है यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
पे चलाता है यीशु नाम, यीशु नाम। अद्भुत नाम, सामर्थ्य नाम, तुझ में शक्ति है यीशु, तुझ में सामर्थ्य है, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं हालेलुया। जबकि हमारे हाथ स्वर्ग की ओर उठे हुए हैं, उसके नाम को अपने बीच में महिमा देंगे, क्योंकि वो हमारे पूरे जीवन का स्वामी है, हमारे पूरे जीवन का श्रोता है, हमारा सब कुछ है, वही हमारा पिता है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा सब कुछ है। अपने हृदय से इस बात को कहें, परमेश्वर पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का, जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा,
यीशु, तेरी महिमा हो परमेश्वर। जब हमारी जिंदगी परमेश्वर उस जमी के समा होती है, तब यीशु तू ही हमें हमारी जिंदगी को हरियाली बनाता है। यीशु पिता, हम भी उस बंजर जमी के समान कहीं अपनी दिशा में जा रहे थे या पड़े हुए थे, लेकिन तेरी ही रहमत हुई यीशु, जो आज की सुबह हम तेरे गीत को गा रहे हैं, तेरी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर। लेकिन इतना ही नहीं यीशु मसीह, हम इस बात को कहते हैं कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है यीशु। हम इस बात को अपने मुख से बोलते हैं, पूरे हृदय से बोलते हैं यीशु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, तेरे बिना I'm not afraid to die.
से कहें, बात को कहें, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन, कहिए तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन, पाप पर पाप प्रकार वो डाली तुझसे जुदा होती है तो वो कभी फलती नहीं यीशु, उसी प्रकार हम भी अगर तुझसे जुदा हैं तो हमारा जीवन ही, जिस प्रकार हमने गीत गाया है, व्यर्थ हो जाएगा, उस पत्ती के समान मुरझा जाएगा यीशु अगर तू हमारे जीवन में ना हुआ तो। जबकि इस बात को हम दिल से कहते हैं यीशु, व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो, व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो। जबकि हमारे हाथ स्वर की ओर उठे हुए हैं, एक हाथ हमारे हृदय पर है, इस बात को हम कहते हैं, ये सारे जगत के स्वामी, ये राजाधिराज परमेश्वर, हे यीशु, आज की सुबह मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है यीशु राजा। हर एक जीवन की कठिन परिस्थितियों में, हर एक खुशी में, हर एक गम में यीशु मुझे तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर। अमीरी में तेरी जरूरत है, गरीबी में तेरी जरूरत है, क्योंकि तुझ बिन, गीत कहता है, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं, हे प्रभु यीशु, तुझ बिन मैं कुछ भी नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है, उस डाल के समान, उस फूल के समान परमेश्वर, जो मुरझा जाता है, इस बात को हम कहते हैं, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, पूरे हृदय से कहें, मेरे जीवन जरूरत है। I have a question to ask every one of you. एक प्रश्न है जो मैं आप सब से पूछना चाहता हूं। You know, I am concerned about what my father thinks of me. मैं बहुत चिंतित रहता हूं कि मेरा पिता मेरे विषय में क्या सोचते हैं। What my mother thinks of me. मेरी माँ मेरे विषय में क्या सोचते हैं। My brothers and sisters, what do they think of me? मेरे भाई और बहन मेरे विषय में क्या सोचते हैं।
और मेरे दोस्त लोग पड़ोसी लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में. In everyone's heart there is an understanding, there is an opinion about each one of you. और हर एक के हृदय में आपके बारे में कोई ना कोई विचार होता है. And we value what our people think of us. और जो हमारे लोग हमारे विषय में सोचते हैं हम उसको कुछ मूल्य देते हैं. We cannot say it is my life, I live in a way I want to, I don't care about you. No. हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेरा जिंदगी है, जिस तरह मैं जीना चाहता हूँ मैं जीऊँगा. We all are family people. हम सब पारिवारिक लोग हैं. As such we are social people. और ऐसे social. हम सामाजिक लोग हैं. We are in a family. हम एक परिवार के लोग हैं. We are in a society. हम एक सामाजिक लोग हैं. We are in a state. हम एक प्रदेश में रहते हैं. And we belong to a country. हम एक देश में रहते हैं. Where we live, we have neighbors. जहाँ हम रहते हैं हमारे पड़ोसी लोग हैं. So we have our family, our relatives, our friends, and our social circle, our citizen, other. We are living with them and among them. और जहाँ हम रहते हैं हमारे आस पड़ोस के लोग बहुत लोग हैं और हमारे परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, क्या सोचते हैं हमारे विषय में. So they all form an opinion about each one of us. So हर एक के पास कोई ना कोई विचार होता है एक दूसरे के बारे में. So we cannot ignore people. So हम लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. And we are concerned about what people think of us. और हम बहुत चिंतित हैं कि लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं. So what do your friend think of you? So, आपका मित्र आपके विषय में क्या सोचता है? What do your neighbors think of you? आपके पड़ोसी आपके विषय में क्या सोचते हैं? What do your brothers and sisters think of you? आपके भाई और बहन आपके विषय में क्या सोचते हैं? What they think, it is important for us. और ये जरूरी है हमारे लिए कि क्या हमारे विषय में सोचते हैं? Now, my question this morning is this. आज की सुबह मेरा सवाल आपसे यही है. We all believe in a God. हम सब एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं. And we follow this God. हम इस परमेश्वर के पीछे चलते हैं. And we worship this God. हम इस परमेश्वर की आराधना करते हैं. And we are believing in Him because through Him we believe we have eternal life. और हम उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि उसी के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है. Salvation is found in no one else except in Jesus Christ, the Son of God. और उद्धार और किसी और में नहीं, सिर्फ यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके द्वारा ही मिलता है. So this Jesus, so ye prabhu yeshu, what does he think of you? Ye yeshu masi aapke vishay mein kya sochte hain? That is the most important question we must settle in ourselves. Ye sabse mahatvapurna sawal hai jo hame apne aap se karna hai. The last book of the Bible is called Revelation. Bible mein jo antim pustak hai use hum prakashit vakya kehte hain. In this book of Revelation, aur is pustak mein, there are seven letters. Saat aise patriya hai written by God himself. जो परमेश्वर स्वयं इन्हें लिखते हैं. To seven different churches. सात अलग-अलग कलीसियाओं को. And John the disciple was the postman who delivered these letters to these seven churches. और यहुन्ना जो यीशु मसीह का चेला था वही वो ये सब पत्रियां को लेकर उन कलीसियाओं तक पहुंचाया. So if you read these letters, so अगर आप इन पत्रियों को पढ़ेंगे, you will have a clear understanding of what this Lord Jesus Christ thought of each one of these churches and the people in that church. आपको एक बहुत साफ एक विचार मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह इन कलीसियाओं के बारे में क्या सोचते थे. And what Jesus knew and what Jesus thought about them was absolutely important. और जो यीशु मसीह जानते थे और इनके विषय में विचार करते थे ये बहुत जरूरी था. This is a question over which we all need to ponder and don't ignore this question even today. Before you sleep, ask this question.
What does Jesus think of me? और ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत जरूरी है जिसके विषय में हमें बहुत सोचना है और आज भी रात को सोने से पहले आप इस बारे में सोचें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में क्या सोचते हैं. And the seven churches and their members, they all had a great opinion about themselves. और ये सात कलीसियां जो है और इनमें जो सदस्य थे वो अपने बारे में बहुत कुछ सोचते थे. They all were happy that they belonged to Jesus. वे सब इस बारे में खुश थे कि वे सब यीशु मसीह के हैं. But what they did not take into consideration is, लेकिन एक बात जो उन्होंने अपने ध्यान में नहीं रखा वो ये है, that Jesus knew them perfectly well, कि यीशु मसीह बहुत अच्छे से उन्हें जानते थे. And Jesus knew them well enough, more than they knew themselves. और यीशु मसीह उन्हें इतना जानते थे कि वो स्वयं अपने बारे में इस प्रकार नहीं जानते थे. We all form our own opinion, our own image of ourselves. हम सब के पास अपने खुद के बारे में अपना खुद का विचार है और खुद का अपना सोच है. But that does not count when we are brought face to face with Jesus Christ. लेकिन ये सारी बातें और विचार जो हम रखते हैं इसका कोई मायने नहीं रखता है जब हम यीशु मसीह के सामने हम आ जाएंगे. If you say you are a believer in Jesus, you are following Jesus. अगर आप कहते हैं कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप उसके अनुयायी हैं. Then you also must know and believe what is going to happen after Jesus comes. तो फिर आपको ये भी जानकारी रखना चाहिए कि यीशु मसीह के आने के बाद क्या होगा. Because we believe in Jesus, we think we all are going to heaven. क्योंकि हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम सब मसीह के पास चले जाएंगे. So once we are there, so एक बार हम वहाँ पहुँचेंगे. The Bible says, Bible बताती है, we are not wicked people. हम दुष्ट लोग नहीं हैं. We are not sinners. हम पापी लोग नहीं हैं. We because of our faith in Jesus. और क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं. We may be there in heaven. हम वहाँ स्वर्ग पहुँचेंगे. But there is a judgment day in heaven for the believers. लेकिन उसके बाद एक न्याय का दिन होगा विश्वासियों के लिए स्वर्ग में. How many of you know this truth? आप में से कितने लोग इस सत्य को जानते हैं? Many of you know. आप में से बहुत लोग जानते हैं. There is a believers judgment day. विश्वासियों के लिए एक न्याय का दिन होगा. And on that day, और उस दिन, what opinion you had about yourself will never count. जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होगा. There you will know what Jesus knew. वहां आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह आपके बारे में क्या सोचते हैं. And what is going to happen is, you will discover that Jesus knew much, much more than you knew about yourself. और आप इस बात को पाएंगे कि यीशु मसीह मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं. Therefore, इसलिए, it is very important how we live in this world as people of God. ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के लोग होने के नाते हम इस संसार में अपने जीवन को कैसे बिताते हैं. Because our eternal condition of our life depends entirely on what God thinks of you. क्योंकि हमारा जो अनंत काल का जीवन है वो इस पर निर्भर होगा कि परमेश्वर आपके विषय में क्या सोचते हैं. What God thinks of you. परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं. What do you think. आप क्या सोचते हैं. You will be surprised to know that many people are going to knock at the door of heaven. Please open, please open. We lived for you. We prayed and we conducted miracle services and we preach and all these sort of will say, Jesus will say from inside, depart from me, I do not know you. आप इस बात को लेकर चकित हो जाएंगे
कि बहुत लोग उस दिन परमेश्वर के द्वार पर खड़े होकर खटखटाएंगे कि प्रभु हमें अंदर आने दे, हमें अंदर आने दे, हमने बहुत सी सेवकाई की है, हमने प्रार्थना किया है, सभा गए हैं और बहुत कुछ किया है आपके नाम से, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह अंदर से आवाज़ देंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तुझे नहीं जानता हूं। So as a believer of the Lord Jesus Christ, so प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी होने के नाते, the other day one fine looking young man came, और बीते दिन एक बहुत अच्छा एक जवान व्यक्ति मेरे पास आया, a fine looking young man, बहुत अच्छा सुंदर दिखने में एक जवान व्यक्ति, early in the morning, सुबह सुबह आया, knocking at the door, और द्वार पर खटखटाया, ringing the bell, और घंटी बजाया। Everybody speaks very good English. और बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलता है। And he said, "Praise the Lord." उन्होंने कहा परमेश्वर की स्तुति हो। All he wanted was some money. उसको सिर्फ कुछ पैसा चाहिए था। To get some money, they will say anything. They will say praise the Lord. They will say hallelujah. और अंत में कुछ पैसा हासिल करने के लिए वो कुछ भी कहेंगे, जय मसीह कहेंगे और हालेलुया कहेंगे। And I listened to him. मैंने उनकी बात को सुना। And I could easily detect that whatever you are saying are पक्का lies. और मैं आसानी से इस बात को जान गया कि जो कुछ भी वो बोल रहा है पूरा झूठ बोल रहा है। I gave him little money, मैंने उसको कुछ पैसे दिए, but I told him this, लेकिन मैंने एक बात उससे कहा, I don't believe a word that you said, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया है उसका एक भी शब्द मैंने विश्वास नहीं किया है। Take this money, लेकिन इस पैसे को ले लो, and don't try to deceive people, और आगे से लोगों को धोखा देने की कोशिश ना करो। See this saying, praise the Lord, hallelujah, is a no sign that you are acceptable to God. जय मसीह बोलना और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलना इस ये कोई चिन्ह नहीं है कि प्रभु यीशु ने आपको ग्रहण किया है। Because God does not form his image of you, his opinion of you, by looking outward things. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है आपके बाहरी रूप को देखकर आपके बारे में कोई विचार नहीं रखते हैं। Outward things like appearance, और बाहरी रूप जैसे आप कैसे दिखते हैं, how you look, कैसे आप दिखते हैं, and what's your color, आपका रंग क्या है, by look how impressive you are, और देखने से आप कितना प्रभावशाली हैं, or experiences, या फिर आपके अनुभवों से, चर्च मेंबरशिप, किसी कलीसिया में सदस्य, चर्च एक्टिविटी, और कलीसिया में बहुत कार्य करना, यू कैन बी राइट इन फ्रंट लाइन इन द एक्टिविटीज, और हो सकता है किसी कलीसिया में उनके कार्यों में आप बिल्कुल आगे हो। God is not impressed by any of these. लेकिन परमेश्वर इन सारी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। So let us turn to 1 Samuel chapter 16 verse 7. So आइए हम अपने बाइबल को खोलें, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय और 7 पद। I only want you to consider this question seriously and don't forget it after this service. और मैं चाहता हूं कि इस सवाल को आप अपने मन में रखें और बहुत ध्यान से आप इसके विषय में सोचें इस सभा के बाद भी। 16 verse 7 says, 16 अध्याय के 7वें पद में ऐसे लिखा है, go ahead. परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। These are not my words. ये सब मेरे शब्द नहीं है। These are the words of the very God whom we worship. और ये उन परमेश्वर का वचन है जिसकी हम आराधना करते हैं।
You look at the verse 12 of the same chapter. उसी अध्याय के 12 पद में आप देखें, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। Chapter 13, 13 अध्याय, same book, पहला शमूएल 13 अध्याय, verse 14, उसका 14 पद। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने का को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा का आज्ञा को नहीं माना। The first king of Israel was called, what was he called? Israel का पहला राजा का नाम क्या था? Saul. Saul. He became a big backslider, and so God rejected him as king. और वो परमेश्वर से पिछड़ गया, और इसलिए परमेश्वर ने उसको तिरस्कार किया। So God was looking for a man after His own heart to replace that first king. So परमेश्वर एक ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा था जो परमेश्वर का खोजी था, ताकि वो उस पहले राजा के स्थान में आ जाए। So God was on a visitation tour one day. So एक दिन परमेश्वर ऐसे खोजने निकला। I do not know how many homes he visited. मुझे नहीं मालूम परमेश्वर कितने घरों में झांक के देखा। But he definitely went to a man by the name of Jesse. लेकिन जरूर जेसे नामक एक पुरुष के घर में गया। He went his home. उस घर में गया। Jesse had 8 sons. और इस जेसे के पास 8 पुत्र थे। Oh my goodness, to have 8 sons is really wonderful. और 8 पुत्र होना कितनी अच्छी बात है। In India, भारत में 8 sons means you only have income. No expenditure. 8 पुत्र का मतलब सिर्फ आपकी आमदनी है, कोई खर्चा नहीं है। 8 dowries coming from 8 different families. और 8 अलग-अलग परिवारों से आपको दहेज मिलेगा। 8 girls into your coming into your home. और 8 लड़कियां आपके घर में आएंगे। This is really 8 sons. 8 पुत्र। And they all were looking like a princely son. और वे सब राजकुमार के समान दिखने में थे। So God, while looking for a person to replace the sinning king, so परमेश्वर जबकि वो पहले राजा को तिरस्कार करके दूसरे राजा का खोज में थे, he visited Jesse's house. परमेश्वर जेसी के घर में गया। And he told the prophet Samuel, और अपने नबी शमूएल से कहा, listen, I have visited Jesse's home. देखो, मैं जेसी के घर में गया हूँ। Do you know what? तुम जानते हो? Nobody in Jesse's family knew that God was visiting them. जेसी के परिवार में कोई भी इसका जानकारी नहीं रखता था कि परमेश्वर उनके घर में झांक रहे थे। Nobody saw God. किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं। Nobody knew that God was walking around. कोई भी जानता नहीं था कि परमेश्वर उनके घर में नजर रखे हुए हैं। Nobody invited God. पर किसी ने परमेश्वर को निमंत्रण नहीं But दिया। But God visited that home. लेकिन परमेश्वर उस घर में गए। And he checked and he examined all 8 sons. और अब सारे 8 पुत्रों को परमेश्वर ने देखा। He examined them all. सबको जांचा। And the first 2-3 sons were really very tall and handsome and muscled men, looking like a prince. और पहले 2-3 पुत्र जो थे वो बहुत लंबे थे, ऊंचे कद के थे, अच्छे सुंदर थे दिखने में। And they were serving as commanders in the army of Saul. और शॉल के सेना में सेनापति के तरह वो लोग कार्य कर रहे थे। My, and like that all 7 of them he God examined. और ऐसे 7 पुत्रों को परमेश्वर ने जांचा। Number 1, पहला पुत्र rejected, तिरस्कार किया। अरे,
Such a fine looking, just like a king. He himself is a king looking. अरे like क्यों तिरस्कार किया? इतना अच्छा दिखने में और राजा के तरह ही दिखता है वो. Number two. दूसरा पुत्र. Rejected. तिरस्कार किया. Number three. तीसरा पुत्र. Rejected. तिरस्कार किया. Number four. चौथा. Rejected. तिरस्कार. Number five. पांचवा. Rejected. तिरस्कार. Number six. छठा. Rejected. तिरस्कार. Number seven. सातवा. Rejected. तिरस्कार. Then he saw the eighth one, the boy. तब परमेश्वर ने आठवें पुत्र को देखा, वो अभी छोटा बालक ही था. While all of the seven boys were enjoying wonderful things at home, और जबकि बाकी सात पुत्र जो थे बहुत अच्छे चीजों का आनंद उठा रहे थे घर में, David was ignored. दाऊद को तिरस्कार किया गया. Ignored mean and rejected. उसको नजरअंदाज किया गया. He was despised. उसको तुच्छ जाना गया. You know there was a family gathering. और परिवार का इकट्ठा होना जब हुआ. God told Samuel. परमेश्वर ने सैमुअल से कहा. You go to Jesse's house. तुम जेसी के घर में जाओ. And have them gather everyone. Have a family gathering. और उनसे बोलो कि अपने सारे पुत्रों को इकट्ठा करें. So there was a family gathering. So पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा हो गया. And in the family gathering. और उस इकट्ठा होने में. All the sons and their wives, they all were there. और जेसी के पुत्र और उनके पत्नी और सब लोग वहाँ मौजूद थे. And one fellow was missing. सिर्फ एक ही गायब था. Was he? वो कौन था? David. दाऊद, the youngest one, सबसे छोटा पुत्र, good for nothing, वो कोई काम का नहीं. So he's look in the field, looking. तो परिवार वालों ने उनको खेत में भेज दिया. He was smelling sheep, और वो भेड़ बकरियों को देख रहा था. No, smelling sheep. और वैसे ही महक आता था उनसे. Out in the field, बाहर खेतों में. Completely ignored. और बिल्कुल उसको नजरअंदाज किया गया. And here Samuel the prophet was commanded by God to anoint one of his sons as king. और यहाँ पर परमेश्वर ने सैमुअल नबी को ये आज्ञा दिया था कि जैसी के एक पुत्र को तुम्हें राजा बनाना है. But God did not tell him which of these eight children. लेकिन परमेश्वर ने नबी को नहीं बताया कि आठ पुत्रों में से किसको राजा बनाना है. If he had told him in the beginning, then he could have saved lot of time and energy and all. अगर परमेश्वर पहले से ही बता देते तो इतना समय नष्ट नहीं होता और ताकत नष्ट नहीं होता. So Samuel said, "Bring all your children." तो सैमुअल ने कहा, अपने सारे पुत्रों को लाओ. They brought all seven sons. और सात पुत्रों को लाया गया सामने. So now it was for Samuel to anoint one of them. अब ये नबी सैमुअल के ऊपर था कि किसको वो राजा बनाएगा. First one come. पहला आया. His name was Eliab. उसका नाम Eliab था. And he came. वो आया. Oh, Samuel looked at him. सैमुअल ने उसको देखा. He was so impressed. वो इतना प्रभावित हो गया. He must be the one. उसने सोचा, अरे यही होगा. Tall, handsome, muscle. ऊंचे कद का और सुंदर दिखने वाला. And already a commander in the army. और पहले से ही सेनापति है. So he took the anointing oil and about to pour on his head. So नबी ने उस तेल को लिया और वो अभिषेक करने ही वाला था. And then suddenly there is a inner voice. तो फिर अंदर से एक आवाज उनको आया. नो 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 नो. मना किया कि नहीं नहीं ऐसा ना करो. नॉट ही. ये नहीं है. वो चकित हो गया. He put the bottle back in his pocket. वो तेल का बोतल वापस अपने जेब में रखा. And he said, he God told him, I am rejecting him. परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इसको तिरस्कार कर रहा हूँ. So don't look at the outward appearance. So तुम बाहरी रूप को ना देखो. Because you people, men, look outward. क्योंकि तुम लोग जो है बस बाहरी देखते हो. But I look inside. लेकिन मैं मनुष्य के अंदर देखता हूँ. Hallelujah. Hallelujah.
that is the God who is in our midst. यही वो परमेश्वर है जो हमारे मध्य में है. He is not impressed by our outward appearance or outward expression. ये परमेश्वर हमारे बाहरी रूप से और सुंदरता में प्रभावित नहीं होता है. Because he knows what is behind that hallelujahs and praise the Lord. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमारे हालेलुया और जय मसीह के पीछे क्या है. He look beyond all that. परमेश्वर इन सब से परे देखता है. Down into your heart. आपके हृदय के अंदर झांक के देखता है. And go deeper into your heart. और भी गहराई से देखता है. And from the bottom of your heart to the top of your heart, what is there, God knows and He sees. और आपके हृदय के गहराई में और ऊंचाई में क्या है, परमेश्वर देखता है. I look at what is inside. परमेश्वर कहता है, मैं देखता हूँ जो अंदर है. And so let me say for your encouragement and also for your fear. So मैं आपके उत्साहन के लिए और आपके डर के लिए भी बोलना चाहता हूँ. God knows what is inside of. परमेश्वर जानता है आपके हृदय के अंदर क्या है. Your intentions. आपके उद्देश्य. Your desires. आपके इच्छाएं. Your purpose. आपके जो भी कारण है. He knows all that. परमेश्वर सब कुछ जानता है. He sees everything. सब कुछ देखता है. Whether you are greedy. क्या तुम लालची हो. Or generous. या फिर उदार हो. He knows all that. परमेश्वर सब जानता है. Everything is known to him which probably you yourself do not know. सब कुछ परमेश्वर जानकारी रखते हैं. हो सकता है आप अपने बारे में ना जानते हो. So all the seven sons came forward. So सारे सात पुत्र शैमुएल के सामने आए. And about all these seven gods that rejected, 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 rejected. और इन सातों को परमेश्वर ने तिरस्कार किया. And Samuel was confused. और शैमुएल जो है वो भ्रम में There पड़ गया. There was no more sons coming forward. और कोई पुत्र दिख नहीं रहे हैं. And so he turned to Jesse the father. So नबी ने जेसी जो पिता था उनसे पूछा. Are these all the sons you क्या यही पुत्र आपके पास हैं? Yeah, yeah, yeah. हाँ हाँ बस यही है. Is there no one else? क्या और कोई नहीं है? And he scratched his back of his head. फिर बहुत हिचकिचाते हुए सोच. There is one fellow. हाँ एक और पुत्र है. But he is not worth. लेकिन वो कोई काम का नहीं है. He is the youngest. वो सबसे छोटा है. And so he is out in the field looking after my sheep. और वो खेतों में है, वो मेरे भेड़ बकरियों को चरा रहा है. If he comes here, अगर वो यहाँ पर आएगा, you can also smell sheep on him. आप सामने नहीं खड़े हो पाएंगे, आप भेड़ बकरियों को महकेंगे. Nevertheless, Samuel said. लेकिन फिर भी शैमुएल ने कहा. Call him. तो भी उनको बुलाइए. So he called him somehow. So किसी तरह पिता ने उनको बुलवाया. Look at someone who was not even considered when they had a family gathering. एक ऐसा पुत्र जब परिवार इकट्ठा हो रहे थे उनको बुलाया नहीं जाता था. Will you do that? क्या आप ऐसा करेंगे? Will I do that? क्या मैं ऐसा करूंगा? It doesn't matter how old my youngest is, he may be only one child. That child also we will carry in our arms when there is a family gathering. और हमारे पास चाहे जो सबसे छोटा एक वर्ष का क्यों ना हो, लेकिन जब परिवार इकट्ठा होता है हम उनको भी गोद में लेके आएंगे. But David was ignored and rejected. लेकिन दाऊद को तिरस्कार किया गया, नजरअंदाज किया गया. He was not included in that family gathering. परिवार जब इकट्ठा होता था उनको लाया नहीं जाता But था. All the time, लेकिन हर समय the eyes of God Almighty was upon him. परमेश्वर का दृष्टि हमेशा उनके ऊपर रहा. Hallelujah. Hallelujah. When your own parents reject you, जब आपके खुद के माता पिता आपको तिरस्कार when your करेंगे, own family despise you, जब आपके खुद के परिवार के लोग आपको हटा देंगे, always remember, हमेशा याद रखिए, eyes of God will be always upon every member of your family. परमेश्वर का दृष्टि आपके परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर रहेगा. He will not ignore you. परमेश्वर आपको नजरअंदाज नहीं करेगा. And David felt this pain throughout his life. और दाऊद ने इस दर्द को अपने पूरे जीवन भर में महसूस किया. And he expressed this pain and disappointment with his own family in many of his psalms. और
अपने खुद के परिवार के ऊपर जो निराशापन था और जो निराशापन उनके जीवन में था, भजनों के द्वारा वो लिखता था। और एक भजन में दाऊद ने ऐसे कहा, चाहे मेरे माता और पिता मुझे तिरस्कार कर दे, you, oh Lord, will receive me. आप प्रभु आप मुझे ग्रहण करेंगे। And God says, और परमेश्वर कहता है, father and mother may reject you. हो सकता है तुम्हारे माता या पिता तुझे तिरस्कार कर दे, will never reject you. लेकिन मैं कभी भी तुझे तिरस्कार नहीं करूंगा। I will never forsake you. मैं कभी भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। Every child is very precious. हर एक संतान जो है वो परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य है। I know the pain of this family goes through. और मैं जानता हूँ जिस दर्द से ये परिवार गुजर रहा है। But I want to tell you. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। This child is very, very precious. ये बच्चा बहुत बहुमूल्य है परमेश्वर के दृष्टि में। He has a father in heaven. इनके पास एक पिता है स्वर्ग में। But father says. और वो पिता कहता है। His life is his life. इसका जीवन जो है वो परमेश्वर का है। And God cares for this child. और परमेश्वर इस बच्चे का चिंता करता है। God cares for your children. परमेश्वर आपके बच्चों का परवाह करता है। There is only one thing we need to understand. सिर्फ एक ही बात हमें समझना है। Apostle Paul said. पौलुस प्रेरित कहता है। Whatever I committed to the Lord. जो कुछ भी मैं परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता हूँ। He is faithful to keep it. परमेश्वर विश्वास योग्य है कि उस बात को संभाल के रखेगा। So dear mom and grandpa. So इसलिए आप जो माँ हैं और दादी हैं। All you need to do is. आपको सिर्फ इतना करना है। Commit him. इस बच्चे को सौंप दे परमेश्वर के हाथों में। God will keep. परमेश्वर इसको संभाल के रखेगा। God cares. परमेश्वर चिंता करता है। It is not without a purpose that this child is in with you. और बिना उद्देश्य का नहीं है कि परमेश्वर ने आपको ये बच्चा दिया है। God has a purpose. परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है। God has a plan. परमेश्वर के पास child. एक योजना है। And that plan he is faithful to fulfill. और वो योजना परमेश्वर विश्वास योग्य है उसको पूरा करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Is there anyone sitting here feel rejected? क्या by कोई your भी यहाँ पर बैसा है जो महसूस करता है कि उसको तिरस्कार किया गया है, उसको नजरअंदाज किया गया है? Ignored by your family. अपने परिवार के लोगों ने आपको नजरअंदाज किया है। Take courage this morning. आप आज की सुबह साहस को ले। God is not rejecting. परमेश्वर आपको तिरस्कार नहीं कर रहा है। God is not ignoring. परमेश्वर आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा है। His eyes are on you. परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। Hallelujah. Hallelujah. He cares for you. परमेश्वर आपकी परवाह करता है। And I want you to know. और मैं चाहता हूँ कि आप जान ले। That God selected David the ignored one. कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना जो तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति था। You know what happened to David? आप जानते हैं दाऊद के साथ क्या हुआ? Till today, आज तक there was no other king greater than King David. कोई और इसराइल में राजा नहीं था दाऊद से बढ़कर। He still remained the greatest of all. आज भी राजाओं में सबसे महान जाना जाता है। He became the sweetest singer of Israel. और इसराइल में सबसे अच्छा गायक वो बन गया। And if you read the stories of the kings of Israel. और अगर आप इसराइल के राजाओं के कहानियों को पढ़ें। Many kings became sinners and backsliders. बहुत राजा ऐसे थे जो पापी बन गए और पिछड़ गए। They were wicked people. वे बहुत दुष्ट बन गए। But again and again God said. लेकिन बार बार परमेश्वर ने कहा। Because of my servant David. मेरे दास दाऊद के वजह। Because of my servant David. मेरे दास दाऊद के वजह। I will have a descendants for this king. इस राजा के आगे पीढ़ी होंगे। He always remembered his servant David. परमेश्वर ने हमेशा अपने दास दाऊद को याद रखा। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because God saw in David a person after God's own mind. क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद में एक ऐसा व्यक्ति देखा जो सिर्फ परमेश्वर को ही चाहता था। God looked for what is inside of these eight sons. परमेश्वर ने देखा कि इन आठ पुत्रों के
हृदय में क्या है. David was not a perfect man. दाऊद कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं था. But God saw something in David. लेकिन परमेश्वर ने दाऊद के अंदर एक ऐसी बात को देखा. That would lead him into perfection. जिस जो बात उनको अगुवाई करेगा सिद्धता की ओर. What does God see in you today? आज परमेश्वर आपके हृदय में क्या देखता है? It is important for us to ask this question. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप से इस सवाल को करें. What does He see? परमेश्वर क्या देखते हैं? He looks for what is inside. परमेश्वर देखते हैं हमारे हृदय में क्या है? Verse 51, Psalm 51, verse 17. भजन संहिता 51. Verse 17. भजन संहिता 51 उसका 17 पद. What do we read there? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है. हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता. Who wrote this psalm? इस वचन को किसने लिखा? David. दाऊद. His heart must have been broken when he found that he was not included in the family gathering. जब उसको पता चला कि परिवार को ऐसे इकट्ठा किया गया और उसको नजरअंदाज किया गया, दाऊद का हृदय टूट गया होगा. This psalm he wrote after he became king. ये भजन दाऊद ने लिखा उसके राजा बनने के बाद. He committed a terrible sin. दाऊद ने एक बहुत भयानक एक पाप को किया. And when he was convicted. और जब उस वो कायल हो गया. He was completely broken. वो एकदम टूट गया. So let me just mention few things without giving any explanation. What does it mean to have a heart after God's own heart? So main kuch baaton ko batana chahta hu ki parmeshwar ka ko chahna iska arth kya hai. Number 1, pehli baat, a willingness to break down when you are convicted of any sin. Ek taiyari hona ki jab aap kisi galat kaam ke prati kayal ho jate hain to aap bilkul toot jate hain. You don't defend. आप बचाव नहीं करते हैं. यू डोंट जस्टिफाई. आप अपने आप को सही नहीं ठहराते हैं. यू डोंट ब्लेम एनीवन एल्स. आप किसी और को दोष नहीं देते हैं. यू डोंट पॉइंट योर फिंगर एट एनीवन एल्स. आप अपने उंगली को किसी और के तरफ नहीं दिखाते हैं. यू आर कन्विक्टेड ऑफ सिन. जब आप गलत काम करते हैं आपको कायलता होता है. यू डोंट ब्रिंग अदर्स टू ब्लेम. तो फिर आप दूसरों को दोष नहीं देते हैं. नथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ नहीं. यू आर कन्विक्टेड. अगर आप पाप के प्रति कायल हो जाते हैं, your willingness to break down before आप तैयार हो जाते हैं कि परमेश्वर के सामने आप बिल्कुल टूट जाएं, and a willingness to learn the mistakes you learn. और एक तैयारी होना चाहिए कि जो गलती आपने किया है उसको सीखना और उससे निकलना. Several times David was convicted of sin. और बहुत बार दाऊद को अपने गलती का महसूस हुआ. Every time it happened, और जब कभी भी उसको ऐसा हुआ, he would go into the presence of God. वो परमेश्वर के सामने जाता था. He would remove his crown and his royal garment. वो अपने ताज और अपने जो वस्त्र थे सब बाहरी वस्त्र सब हटा देते थे. He would put on sackcloth and ashes. और वो राख अपने ऊपर लगाता था. With a broken heart. और एक टूटे हुए हृदय के साथ. Repent. वो पश्चाताप करता and he था. Will never repeat the same mistake. और फिर से कभी उस पाप को दोबारा नहीं करता. That is a heart that is after God. ये एक ऐसा हृदय है जो परमेश्वर का चाहत रखता है. Secondly, दूसरी बात, a heart that is filled with worship. एक ऐसा हृदय जो आराधना से भरा हुआ है. And thanksgiving. और धन्यवाद के साथ. Such a heart is after God's will. ऐसा हृदय परमेश्वर का चाहत What रखता is the है. Highest thing you can do in order to please the heart of God? और सबसे बड़ी बात क्या है जो आप कर सकते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए? The book of Psalms provides us with the wonderful means of
worshiping God. और भजन संहिता में वो सब कुछ लिखा हुआ है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं. And with thanksgiving. और धन्यवाद के साथ. Filled with gratitude toward God. आभारीपन से भरा हुआ परमेश्वर के प्रति. For His mercy. क्योंकि परमेश्वर का करुणा. And loving kindness. और परमेश्वर का प्रेम. And then sing of His mercies and His greatness and grace. और परमेश्वर के महानता और महिमा के जो गीत हैं. Such a heart is a heart that is after God's own heart. ऐसा हृदय है जो परमेश्वर का चाहत रखता है. A heart that says. एक ऐसा हृदय जो कहता है. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. और मैं चाहूंगा कि परमेश्वर के मंदिर में मैं द्वार पर खड़ा रहूं बजाय इसके कि मैं दुष्टों के तंबू में पाऊ जाऊं. What is he saying? दाऊद क्या कह रहा है? The king is saying. राजा कहता है, I want to be a doorkeeper in the house of God. मैं परमेश्वर के मंदिर में द्वार का रखने वाला बनना चाहता हूं. That is where I want to be. Hallelujah. I want to be in the house of God. मैं परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूँ. And be a doorkeeper. और द्वार पर खड़े होने वाला व्यक्ति बनना चाहता हूँ. How much love we have for the house of God. हमारे हृदय में कितना प्रेम है परमेश्वर के भवन के लिए. When Sunday comes. जब रविवार आता है. How eager are you to be in the house? हम कितना इच्छुक हैं परमेश्वर के भवन में आने के लिए? Or we want to be here just a formality? या फिर सिर्फ एक रीति रिवाज को पूरा करने के लिए हम आते हैं? When there is a prayer meeting? जब कोई प्रार्थना सभा होता है? How eager are we? हम कितना इच्छुक हैं? To go into the house of God. कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं. With my brothers and sisters. हमारे भाई और बहनों के संग. Your love for God. आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति. Is reflected in your love for the house of God. ये दर्शाएगा आपका प्रेम जो परमेश्वर के भवन के लिए रखता है. This is a house of God. ये परमेश्वर का भवन है. And how eager are we? हम कितने इच्छुक हैं? That will show. Your love for God. यही दिखाएगा आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति. Because I love God. क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ. I love His house. मैं परमेश्वर के भवन से प्रेम करता हूँ. I love His family. मैं परमेश्वर के परिवार से प्रेम रखता हूँ. I love my brothers and sisters. मैं अपने भाई और बहनों से प्रेम रखता हूँ. To come into the house of God means. और परमेश्वर के भवन में आने का मतलब यही है. I am meeting my brothers and sisters. मैं अपने भाई और बहनों से मिलता हूँ. The family of God. परमेश्वर का परिवार जो है. And that is the way you must consider the church, and that's the way, that's the reason why you want to be in the house of God. और ऐसे ही हम का परमेश्वर के भवन के प्रति हमारा विचार होना चाहिए, और इसलिए हम चाहेंगे कि हम इस भवन में आए. The world and the family think well of you. जो संसार है और आपका परिवार आपके बारे में अच्छा सोचते हैं. But nobody has seen the hidden man within you. लेकिन कोई भी आपके अंदर जो मनुष्य है उसको नहीं देखा है. In every one of us there is a hidden person. और हम में से हर एक के अंदर एक अंदर अंदरूनी एक मनुष्य है. And who sees that hidden person? और वो जो मनुष्य अंदर है उसको कौन देखता है? God Almighty who created. सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्होंने आपको रचा है. He created you, so He knows your inside and your outside. परमेश्वर ने आपको बनाया इसलिए परमेश्वर जानता है आपके अंदरूनी मनुष्य को. Let us read one verse. एक और वचन हम पढ़ेंगे. साम 44:21. भजन संहिता 44 उसका 21.
तो क्या परमेश्वर उसका विचार न करता, क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। मन की गुप्त बातों को कौन जानता है? Whatever is hidden within you, वो हमारे मन की गुप्त बातों को जानता है। You don't want to reveal it to anybody. आप ऐसे बातों को किसी और को बताना नहीं चाहेंगे। Keep it to yourself. अपने आप में ही रखते हैं। But there will come a day. लेकिन एक दिन ऐसा आएगा। Whatever you have hidden within you will be lying bare in the open. जो कुछ भी आपने गुप्त रीति से अपने अंदर रखा है, एक दिन वो सब बाहर आ जाएगा। Please remember that. इस बात को याद रखें। In passing, I have one sentence to say. और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। Don't live only for this world, this time. सिर्फ इस संसार के लिए, इस जीवन के लिए आप ना जिएं। Live with eternity in view. अनंत काल के जीवन को मन में रखते हुए आप अपने जीवन को जिए। You are going to stand before the judge of all, who will judge the dead and the living. आप सबसे बड़े न्यायाधीश के सामने खड़े होने वाले हैं, जो जीवित लोग हैं और जो मरे हुए लोग हैं, सबका न्याय करेगा। No secret of your heart can be hidden. आपका हृदय का कोई भी गुप्त बात फिर गुप्त नहीं रहेगा। You think that God, even God cannot discover what is inside of you. आप सोचते हैं कि परमेश्वर भी जानने नहीं पाएगा कि आपके अंदर क्या है। You will discover. लेकिन आप एक दिन पाएंगे that every secret कि हर एक गुप्त बात आपके हृदय में जो है well known to God the Father. वो सब परमेश्वर दिखाएगा। Jeremiah 17:10 says. यर्मिया 17:10 में ऐसे लिखा है। I, the Lord, search the heart and examine the mind. मैं जो परमेश्वर हूँ, हृदयों को देखता हूँ और मनों को जांचता हूँ। What is his purpose? उसका उद्देश्य क्या है? To reward a man according to his conduct, according to what his deeds deserve. कि एक पुरुष को अपने कार्यों के अनुसार और उसके स्वभाव के अनुसार मैं उसको प्रतिफल दूं। प्लीज रिमेंबर दैट। इस बात को याद रखें। देयर इज अ रिवॉर्डर एंड ही इज नॉट गोइंग टू रिवॉर्ड यू ऑन द बेसिस ऑफ आउटवर्ड अपीयरेंस। एक प्रतिफल देने वाला है और वो आपके बाहरी रूप को देखकर आपको प्रतिफल नहीं देगा। He's going to examine your heart, वो आपके हृदय को जांचेगा। Search your mind, आपके मनों को जांचेगा। And whatever he sees, और जो कुछ भी वो देखेगा, on the basis of that, उसी के आधार पर you will be rewarded. आपको प्रतिफल मिलेगा। So with that thing in view, so इन सारे बातों को मन में रखते हुए what then is the way to a reward of eternal life? तो फिर कौन सा ऐसा मार्ग है जो अनंत जीवन का प्रतिफल हमें देगा? Let us all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं। Open our Bible. अपने बाइबल को खोलें। Romans chapter 1. रोमियो उसका 8वां अध्याय। And verse 4. चौथा पद। Rewarding of eternal life. अनंत जीवन का प्रतिफल। Is up to God. ये परमेश्वर के ऊपर है। It is not in the church. ये कलीसिया के ऊपर नहीं है। The church cannot reward you eternal life. कलीसिया आपको अनंत जीवन प्रदान नहीं कर सकता है। So don't try to please the pastor and the church. So इस बात का कोशिश ना करें कि आप पासवान को प्रसन्न करें। And then to be in the good book of God. और फिर परमेश्वर के दृष्टि में आप अच्छे बने रहें। Remember, there is a book of remembrance in heaven at the right hand of God the Father. याद रखें, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ एक पुस्तक है जो सारे बातों को याद दिलाएगा। Everything is recorded there. हर एक बात जो है उसमें लिखी गई है। And on the day of judgment, और उस न्याय के दिन, books will be opened. वो पुस्तक खोले जाएंगे. And that book of remembrance will be opened. और वो पुस्तक जो कि हर एक बात का याद दिलाएगा, वो भी खोला जाएगा. Every word you spoke, हर एक शब्द जो आपने कहे हैं, after your baptism, आपके बपतिस्मा के बाद,
So baptism is not going to guarantee eternal life. So baptisma lene se aapko koi guarantee nahi hai ki aapko anant jeevan milega. Please understand that. Is baat ko aap dhyan rakhe. Neither baptism will save you from sin. Aur na baptisma lene se aap paap se bache rahenge. These are all obedience. Ye sab jo aagya parmeshwar ne diye hum usko pura kar rahe hain. But what is inside of you? There is someone who is searching and who is finding out. Lekin aapke hriday ke andar kya hai? Koi aisa hai jo sab dekhta hai, sab janta hai. There is only one position, and those who are found by God in that particular position will be guaranteed eternal. Sirf ek hi padvi hai, aur jo koi us padvi par rehta hai, Parmeshwar dekhta hai, wohi jayega. What is that position? Aur wo padvi kya hai? Those of you read the Bible. आप में से जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं. What is the only position that is acceptable to God for you to be permitted to enter into the kingdom of God? वो एकमात्र पदवी कौन सा है जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग है और जिससे आपको अनुमति मिलेगा कि आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे? Character of Jesus. That position is in Christ. वो पदवी जो है वो ये है अगर हम मसीह में पाए जाते हैं. On that day of judgment. उस न्याय के दिन. What God looks for. जिस बात के लिए परमेश्वर ढूंढता है. Whether you are in Christ. कि क्या आप मसीह में पाए जाते हैं या नहीं. In Christ. मसीह में. I am justified. मैं धर्मी ठहराया जाता हूँ. In Christ. मसीह में. I am sanctified. मैं धर्मी ठहराया जाता हूँ. In Christ. मसीह में. I am acceptable to God. मैं परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य हूँ. मसीह में. I am righteous. मैं धर्मी ठहराया जाता हूँ. In Christ. मसीह में. I am holy. मैं पवित्र ठहराया जाता हूँ. All these privileges only in Christ. ये सारे सौभाग्य जो है सिर्फ मसीह में हमें मिलते हैं. So on that day. Only this basis are you. So उस दिन जो है सिर्फ इन्हीं के आधार पर. The consideration will be, it will not be whether you are in the church today or not. और उस दिन जो है ये ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि आप कलीसिया में आते थे या नहीं. It is not whether you are in the church or not. कि आप कलीसिया में है या नहीं. What he looks for whether you are in his son Jesus. परमेश्वर देखता है कि क्या आप उसके पुत्र यीशु मसीह में पाए जाते हैं या नहीं. Are you in Christ? आप मसीह में हैं. Are you religious? क्या आप धार्मिक हैं? That is not the consideration. वो शर्त नहीं है. To the world you may be a very religious person. संसार के लिए हो सकता है सब लोग आपको एक धार्मिक व्यक्ति समझते हो. That is not the consideration. लेकिन उस दिन वो ध्यान नहीं दिया जाएगा. Whether you are in Christ. वो उस दिन देखा जाएगा कि क्या आप मसीह में हो. It is not the church's theology. और ये किसी कलीसिया का theology नहीं है. It is God's theology. ये परमेश्वर का शिक्षा है. In Christ. मसीह में. That is the only position that is acceptable. ये ही एक पदवी है जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य है. You are acceptable and invited to enter into the kingdom of God because you are in Christ, the King of the King. और आपको तब निमंत्रण दिया जाएगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अगर आप यीशु मसीह में पाए जाते हैं. Those who are in Christ, जितने लोग मसीह में पाए जाते हैं, they are holy. वे पवित्र हैं. Those who are in Christ, जो मसीह में है, they are saved. वे उद्धार पाए हैं. Those who are in Christ, जो मसीह में है, they belong to God. वे परमेश्वर के हैं. Those who are in Christ, जो मसीह में है, only in Christ they are acceptable. सिर्फ मसीह में वो ग्रहण योग पाए जाएंगे. Not otherwise. अन्यथा नहीं. Outside of Christ. There is no position which will be acceptable to God. मसीह के बाहर कोई ऐसा पदवी नहीं है जो ग्रहण योग होगा. And if you are in Christ, लेकिन अगर आप मसीह में हैं, you will live holy life. आप पवित्र जीवन जिएंगे. If you are in Christ, अगर आप मसीह में हैं, you know that you belong to God the Father. आप जानते हैं कि आप परमेश्वर पिता के हैं. Hallelujah. Hallelujah. Let us read the Romans chapter 8 verse 1. रोमियो आठवां अध्याय. Then we will pray.
verse 1. Pehla pad. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड का आज्ञा नहीं. But those who are in Christ, there is no more condemnation. जो मसीह में है उन पर दंड का आज्ञा नहीं. Why? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. Those who are in Christ will live by the Spirit. और जो मसीह में पाए जाते हैं वो आत्मा के अनुसार चलते हैं. Spirit of Christ. मसीह के आत्मा के अनुसार. Also verse 4. चौथा पद. इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में तो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं. Amen. Those who live not according to the flesh, but those who walk and live according to the Spirit. जो शरीर के अनुसार नहीं वरन जो आत्मा के अनुसार चलते हैं. So my brothers and sisters. So मेरे भाई और बहनों. This book is the only document God has given us. ये पुस्तक सिर्फ एक वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है. Don't worry about what your church says. आप इस बात का चिंता ना करें कि कलीसिया क्या कहता है. What your denomination says. आपका डिनोमिनेशन क्या कहता है. All the denomination has their own document. सारे डिनोमिनेशन के अपने अपने शिक्षाएं हैं. Those book will not be there. लेकिन उन डिनोमिनेशन के पुस्तक वहाँ नहीं होंगे उस दिन. There will be only one book. सिर्फ एक ही पुस्तक स्वर्ग में मिलेगा. Written by God. जो परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है. That contains your life story and my life story. जिसमें आपका पूरा जीवन कथा लिखा जाएगा. So live with eternity in view. So इस प्रकार आप अपने जीवन को जिए जो आप अनंत काल के जीवन को मन में रखते हुए. According to the flesh. आप शरीर के अनुसार नहीं जीते हैं. Fulfilling the desires of the flesh. इस शरीर के इच्छाओं को पूरा न करते हुए. And whatever you feel in your mind. और जो कुछ भी आप मन में महसूस करते हैं. You do and you do to others. आप खुद करते हैं और दूसरों के प्रति भी करते हैं. And God is not pleased. लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता. Even a good work. एक अच्छा कार्य भी. He does not simply look at what work you did, but he looks at the intention behind that. परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आपने जो अच्छा कार्य किया है, लेकिन ये देखता है कि उसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, वो देखता है. Like Ananias and Sapphira. जैसे अनानियस और सफीरा. Those days people were selling their property and bringing the money, laying them at the feet of the apostles so that the poor people could be blessed and their needs will be met. और उन दिनों में जो विश्वासी थे वो अपने जमीन को बेचते थे और जो पैसा मिलता था वो प्रेरितों के पास लाते थे ताकि जो कलीसिया में निर्धन लोग थे उनको आशीष मिले. And people were appreciating them. और लोग सब उन्हें सराहना करते थे. So one husband and wife saw all this. एक दंपति ने ये सब देखा. They also had some property. उनके पास भी एक जमीन का टुकड़ा था. So what they thought was they will also sell and bring it to. हाँ, उन्होंने ये भी सोचा कि हम इसको बेचकर पैसा लाएंगे. So they sold. So उन्होंने उस जमीन को बेचा. Brought the money. वो पैसा लाए. But before they brought the money. लेकिन इससे पहले कि वो पैसा लाए. Husband and wife had a secret meeting inside their bedroom. वो पति और पत्नी जो है अपने कमरे में एक छोटा सा मीटिंग को रखा. And others, they didn't want others to hear. वो नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग जाने. So husband said. तो पति ने कहा. He was whispering into the ear of Sapphira. और अपने पत्नी सफीरा के कान में फुसफुसाया. What we will do? कि हम ऐसा करेंगे. We have 10 lakh rupees. हमें इस जमीन के लिए 10 lakh मिला है. 3 lakhs we will lay at the apostles' feet. इसमें से 3 lakh हम प्रेरितों के हाथ में दे देंगे. 7 lakhs we will keep. 7 lakh हम अपने लिए रख लेंगे. Nobody will know. कोई इस बात को जानेगा नहीं. And people will see. सब लोग देखेंगे. Oh, Sapphira and Ananias. तारीफ करेंगे. They also brought. कि अरे ये लोग भी अपने जमीन को बेच के पैसा लाए. 3 lakh. 3 lakh रुपया दे दिया. We will get a nice name. बहुत अच्छा नाम कमाएंगे.
If you were their closest relative and the closest friend, even you would not have known what they. अगर आप उन उनके सबसे निकट रिश्तेदार भी होते, परिवार जन होते, आप भी नहीं जानते कि इनके मन में क्या चल रहा है. But who saw it? लेकिन किसने देखा? God, the Holy Spirit. परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने सब सुन लिया. So they came all prepared. So ये दंपति जो है पूरे तैयारी के साथ आए. They had their money at the feet. 3 लाख रुपए लेके आए प्रेरितों के सामने. And the Holy Spirit in Peter whispered to his ears. और पवित्र आत्मा ने पत्रस को उनके कान में डाला. And the Holy Spirit dictated to Peter what to tell them. और पवित्र आत्मा ने ये भी बताया पत्रस को कि तुम्हें क्या बोलना है इनसे. So Peter asked the, Is it all you got by the sale? तो पत्रस ने पूछा क्या जमीन को बेचने से आपको इतना ही पैसा मिला है? Only husband came. सिर्फ पति आया पहले. And he said, yes, 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 this is all we got. उसने बोला हाँ हमें सिर्फ इतना ही पैसा मिला है. And what did Peter say? पत्रस ने क्या कहा? You have not lied to man, you have lied. तुमने मनुष्य से झूठ नहीं बोला है लेकिन तुमने परमेश्वर को झूठ बोला है. And the husband heard it, fell down and died. पति ने इस बात को सुनकर वहां वहीं पर वो मर गया. After an hour, एक घंटे के बाद, the wife was wondering why husband was so late. श्रीमती सोच रही थी क्या हो गया मेरा पति अभी तक आया नहीं. So she came looking for him. So वो आई खोजते हुए. And Peter was waiting there. और पत्रस वहाँ इंतजार कर रहा था. As soon as she entered, जैसे ही श्रीमती आई, Sapphira, tell me this. मुझे एक बात बताओ. Your husband brought 3 lakh rupees. तुम्हारे पति 3 लाख रुपए लेकर मेरे पास आए. And he told us that is all the money. और हमें बताया कि ज़मीन को बेचने से तुम्हें इतना पैसा मिला. Is it true that this is all you got? क्या ये सत्य है कि तुम्हें इतना ही पैसा मिला? And very happily said, yes, 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 ma'am. और श्रीमती ने बहुत खुशी से बोला हाँ हमें इतना ही पैसा मिला. That's all we got. हमें सिर्फ इतना ही मिला. And Peter said, पत्रस ने कहा, the feet of those young men who conducted your husband's funeral is here. और जिन जवान लोगों ने तुम्हारे पति के शव को दफनाया है वही जवान यहाँ पर मौजूद हैं. They will bury you also. वे तुम्हें भी दफनाएंगे. She heard it. उस श्रीमती ने सुना. Fell down and died. वहीं पर गिरकर मर गई. This is the God with whom we have to do. यही वो परमेश्वर है जिसके सामना हमें करना है. Those who are in Christ, जो लोग मसीह में है, they will be told, उनको बोला जाएगा, you enter into my father's. कि आओ तुम प्रवेश करो मेरे पिता के घर में. Hallelujah. 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 Remember my brothers and sisters. मेरे भाई और बहनों इस हमेशा इस बात को याद रखें. Today, आज, I as the pastor, मैं जो पासवान हूँ, can push you, मैं आपको धक्का दे सकता हूँ, encourage you, आपको उत्साह दे सकता हूँ. You even feel very angry with the pastor. आप कभी कभी पासवान से भी गुस्सा हो जाते हैं. Why this pastor is getting after me? अरे ये पासवान मेरे पीछे ही पड़ गए. Let him, why can't he leave me alone? क्यों पासवान मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हैं? I live, there is nothing wrong with me. अरे मेरे पास कोई समस्या नहीं है. I can push you up to the gate. That's all. मैं आपको धक्का धक्का दे के आपको सिर्फ उस स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा सकता हूं. Beyond that, लेकिन उसके आगे, I cannot push you. मैं आपको नहीं ले जा सकता हूं. There is a book there. वहां पर एक पुस्तक है. That book will reveal to you. उस पुस्तक में हर एक बात लिखी गई है. अब दिखाया जाएगा. So my brothers and sisters, so मेरे भाई और बहनों, let us live our lives according to the spirit. हम अपने जीवनों को आत्मा के अनुसार चलाएं. Let us be in Christ. हम मसीह में पाए जाने पाए. And let us live in the spirit. और हम आत्मा में जीने पाए. Obey the spirit. आत्मा की आज्ञा को माने. Don't obey the dictate of your flesh. आप अपने शरीर के, आपने मन की बातों को ना माने. Listen to the
the spirit's voice. आप आत्मा के आवाज को सुने. Don't ignore this book. इस पुस्तक को नजरअंदाज ना करें. Read. इसको पढ़ें. Meditate. इस पर मनन करें. Listen. इस सुने. Obey. आज्ञा माने. Prepare for eternity. आप तैयारी करें अनंत जीवन के लिए. This life is very short. क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है. And the world itself will perish. और ये संसार ही नाश हो जाएगा. The world and all its splendor and glories will be finished. और ये संसार अपने सारे ऐश्वर्य और आयश और आराम से सब नाश हो जाएगा. But they that please the Lord and wait upon the Lord. लेकिन वे लोग जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं उसके बाट को जोते हैं. Shall shine like the stars. वो तारों के समान चमकने पाएंगे. You want to be a star? क्या आप एक तारा बनना चाहते हैं? Don't go into the darkness. आप अंधकार में ना जाएं. Hallelujah. Hallelujah.